हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा लेंस की क्षमता, क्योंकि कल अपने बाकी लेंस के बारे में सब कुछ कर चुके हैं कि कैसे प्रतिबिंब निर्माण होता है, कैसे क्या कुछ है। आज हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। तो सबसे पहले जैसे ये डेफिनेशन दे रखी है, क्या होती है लेंस की क्षमता, देखिए प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। अभिसारित अपसारित कैसे, वो आपको पता है कि जो उत्तल लेंस है वो क्या करता है, किरणों को एक जगह पे इकट्ठी कर लेते हैं, ये समांतर आ रही है, यू फोकस से जाएंगी तो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी, तो अभिसारित किया। अपसारित जो अवतल लेंस है वो क्या करता है, किरणों को अपसारित करता है, मीन्स फैला देता है। तो उसकी यही जो क्षमता है ना, ये लेंस की क्षमता कहलाती है। कैसे देखते हैं, जो हमारे पास लेंस की क्षमता है उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो इसलिए इसको अपने किससे लिखेंगे, पी से। पी यहां से पावर को शो कर रहा है, तो पी बराबर एक में बस एक फॉर्मूला आता है, वन अपॉन में एफ। एफ क्या है, यहां पे फोकस दूरी, एफ है अपने पास यहां पे फोकस दूरी। तो सिंपल सी बात है कि यहां से एक डेफिनेशन और निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, देखो कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम तो सबको पता है उल्टा, देखो नीचे है तो मतलब ये दोनों पी और एफ आपस में क्या है, व्युत्क्रम में है, दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता कहलाता है, पी बराबर वन अपॉन में एफ है। आप समझो कि फोकस दूरी पे ये जो अपनी क्षमता है ये कैसे डिपेंड करती है, देखो जैसे अपनों ने क्या किया, यहाँ पे एक लेंस ले लिया, मैं सबसे पहले उत्तल लेंस ले ली, वही सेम इसको बी से डिवाइड कर दो, मुख्य अक्ष बनाओ यहाँ पे, यू करो, ये अपनों ने रेखा ड्रॉ कर दी, ये क्या है अपनी मुख्य अक्ष, यहाँ क्या है फोकस एफ वन, इधर फोकस एफ टू। अब बात करते हैं कोई भी रेखा आई यू समांतर आ रही है इसके लेंस पर आपतित हुई, अपवर्तन के बाद कहां से जाएगी, मुख्य फोकस में जाएगी। अब ये यहां से प्रकाशित केंद्र O और ये क्या है फोकस, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जितनी दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी तो होगी ये, अब कैसे निर्भर करता है वो देखो, इसकी फोकस लेंथ कितनी है, इतनी बड़ी, अब इसको यहां पे इतने बनाते हैं, देखो ठीक है, बीच में डिवाइड कर लो, ये अपना मुख्य अक्ष क्या, प्रकाशीय केंद्र, यहां क्या है एफ वन, ये एफ इतना थोड़ा सा फोकस जो इसका थोड़ा दूर था, अब अपने इसको पास में बनाएंगे, यहां बनाएंगे, हमने माना दूसरा फोकस इसका यहां, वही समांतर इसकी प्रकाश किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद ये प्रावर्तन के बाद कहां से गई, फोकस में से गई, अब इनकी फोकस दूरी कितनी है, इतनी है। तो सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि जैसे जैसे फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे पावर ऑफ लेंस मतलब पावर जो है लेंस की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। देखो ये दूरी बढ़ रही है, इस लेंस की क्षमता क्या है, कम होगी, ये दूरी कम है तो इस फोकस दूरी कम है तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, ऐसे इस पे डिपेंड करता है, सेम ही अपने अवतल दर्पण के लिए होता है। अब बात करते हैं पी बराबर वन अपॉन में एफ, देखो अब यहां से मिटा दो, चलो आप ना अवतल लेंस को भी देख ही लो, जैसे अपने अवतल लेंस बनाया ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से बना लेना स्केल वगैरह की मदद से, मुख्य अक्ष हो गई अपनी। अब बात करते हैं यहां पे है इसका है फोकस एफ वन, यहां पे क्या है फोकस एफ टू, प्रकाश किरण क्या हुई, आपतित हुई यहां पर, अपवर्तन के बाद कहां से निकलेगी, यू निकल जाएगी,
क्योंकि ये जो अवतल लेंस है ना अपने पास, ये प्रकाश किरण को क्या करता है, अपसारित करता है, फैलाता है उनको। तो इसको अपने क्या करेंगे, जबरदस्ती तो पीछे मिला सकते हैं ना, जबरदस्ती तो कर सकते हैं, ये देखो मिला दी। अब यहाँ पर क्या है, प्रकाश केंद्र। अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये होगी यहाँ पे एफ। तो वही सेम बात है, इसकी फोकस लेंथ यहाँ पे है। अगर इसको अपने यहाँ पे कर दे, इसका फोकस मारे और किरण कहाँ से जाए, इसको यहाँ से गुजार के अपने यहाँ के जाए, इसकी फोकस दूरी कम होगी। मतलब जिसकी फोकस दूरी कम, उस लेंस की क्षमता ज्यादा होगी। अब देखो अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट मीन्स मात्रक। मात्रक हमें देखिए सबसे पहले क्या है, P बराबर 1/f अपने पास फॉर्मूला। ये जो फोकस है ना, ये हमेशा मीटर में होता है। ये फॉर्मूला आपने कब लगाएंगे, जो फोकस किसमें होगा, मीटर में। तो अपने जैसे आपको क्या दिया है कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 मीटर है या 10 मीटर है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, P बराबर 1/f। अगर आपको दी हुई है किसमें, सेंटीमीटर में, फोकस दूरी किसने दी हुई है, सेंटीमीटर में, तो P बराबर 1/f तो लिखोगे लिखोगे, ऊपर क्या लिख दोगे, 100 बना दोगे इसको, क्योंकि मीटर को क्या किया उन्होंने, सेंटीमीटर में चेंज किया। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर किससे गुना कर दिया, 100 से। हमेशा ना कंफ्यूजन हो जाती है कि 100 से गुना करना है या भाग करना है, जिससे आप ये फॉर्मूला याद रख लो कि मीटर में है तो P बराबर 1/f, सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/f। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। यहां से अपने इसका मात्रक निकालते हैं। देखो यहां से अपने इसका मात्रक निकाला तो क्या आया, 1/2 में क्या है, यहाँ पे मीटर मान लिया अपने, मीटर में है ये, तो यहाँ इसको सीधा करो क्या बन गया, मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स को अपने किसमें लिखते हैं, मीटर इनवर्स को क्या लिखते हैं अपने, डायोप्टर। इसको अपने लिखते हैं डायोप्टर। डायोप्टर को किससे शो करेंगे, डी से। इसका मात्रक क्या हो जाएगा लेंस की क्षमता का, डायोप्टर या डी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो है अवतल लेंस और उत्तल लेंस दो होती है अपने पास। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, वो हमेशा आपको याद रखनी है कि जो उत्तल लेंस है ना अपने पास है, देखो उत्तल लेंस हो गया और एक अपने पास क्या हो गया, अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो है ना, इसकी जो इसका जो लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा पॉजिटिव, यानी कि क्या होती है, हमेशा धनात्मक। और जो अवतल लेंस है, इसकी हमेशा जो लेंस की क्षमता रहेगी वो रहेगी ऋणात्मक। इतनी बात याद रखें, एक बार दोबारा से देखें उसको। अब उसके बाद बात करते हैं, अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ताकि ये फॉर्मूला जो अपना पूरा क्लियर हो जाए। देखो सेंटीमीटर।
मीटर, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऊपर क्या लगेगा 100। अब ये किसमें चेंज हो गया, मीटर में। अब रखो मान, 100 बटा में आपका मान क्या है 20, काटो इसको 2 5 10। 5 डायोप्टर, इस लैंप की क्षमता क्या आ गई 5 डायोप्टर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये तो हमने सेंटीमीटर में लिया था, अब आगे बात करते हैं। मान लो अपने पास जो फोकस दूरी इन्होंने दे रखी है ना, सीधे से करते हैं। मान लीजिए अपनों को 10 मीटर दे रखी है इन्होंने फोकस दूरी। अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे, देखो पी बराबर 1/f। फोकस दूरी देखे क्या पूछा है, पावर ऑफ लेंस पूछी है, पावर पूछी है किसकी, लेंस की। 1/f है तो यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दूरी किसमें है मीटर में। लग रख दो हाथ 1/10, करो इसको सॉल्व, क्या बन गया 0.1 डायोप्टर। ये आ गया आपका इसका आंसर, इधर से ये रहा। दोनों के लिए फॉर्मूले देख लो, अलग अलग यूज हो रहे हैं, मीटर में हो तो सेंटीमीटर में हो तो ये देख लो आप अपना, और अपना लैंस की क्षमता का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है।